अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस ऑनको सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि हमारे चर्चा का विषय चल रहा था कल ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर पे ही मैं अभी आपसे और ज़्यादा जानकारी जानना चाहूँगी। इनफैक्ट हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि जो फैक्टर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो बेसिकली क्या होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्तन का कैंसर, ये महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर है। हर 8 में से 1 महिला को होता है, हर 3 में से 1 की इससे मृत्यु हो जाती है। महिला होना एक इसका एक मुख्य कारण है ब्रेस्ट कैंसर का होना। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये भी एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने का। और कुछ कारण ऐसे हैं जैसे कि अपने फैमिली में किसी अपनी माँ को, बहन को, या अपने बेटी को, या परिवार में होता है तो ये ब्रेस्ट कैंसर आपको भी हो सकता है। ये जो रिस्क है 5-10% है। और कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम जिनमें हम बदलाव भी ला सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि महिलाओं में देखा गया है कि जैसे कि महिलाओं का जो साइकल्स पीरियड्स हैं, या देखा गया है कि महिलाओं की जो मैरिज की जो एज है, या बच्चे की जो फर्स्ट बेबी की जो एज है जो डिलीवर करने की, या फिर देखा गया है कि ये जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन है जो फीमेल हार्मोन है जो ओवरी से सीक्रेट करता है, ये एक मुख्य कारण है जो बॉडी में चेंजेस लाता है, कैंसर सेल्स को ट्रिगर करता है और ब्रेस्ट कैंसर को, स्तन के कैंसर को वजूद में लाता है और फैलाता है। तो ये जो कारण हैं जो हमने जो डिस्कस किए थे कल, उनके आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं कि और क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर होता है। एक कारण है कि आप अगर अपने बॉडी को किसी वजह से कभी रेडिएशन का यूज़ किया हो, रेडिएशन जो एक ट्रीटमेंट भी है ब्रेस्ट कैंसर का, अगर वो भी अगर उसका कभी रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो आपके स्तन पे या ब्रेस्ट पे, या पहले कभी किसी कारण की वजह से या कोई दूसरे कैंसर के लिए अगर रेडिएशन दिया गया हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। कई बार ब्रेस्ट में कई बार गांठें होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर हो। लगभग 10 में से 2 गांठ कैंसर हो सकते हैं, 8 गांठ कैंसर नहीं हो सकते। कुछ ऐसे भी होते हैं कारण जो कि बिनाइन होते हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में कोई थिकनिंग आ गई हो, या कोई फाइब्रोएडिनोमा जैसा कोई ये हुआ, क्या ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि कोई अगर बिनाइन लम्ब जो बचपन से आपको है, वो अचानक कई बार उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हमारा मैसेज ये है कि कोई भी बिनाइन पैथोलॉजी जो कैंसर नहीं था, सिर्फ ट्यूमर था, वो कई बार ब्रेस्ट में चेंज होके वो कैंसर बन सकता है। जैसे कि अटिपिकल हाइपरप्लेशिया हो, या आपने ब्रेस्ट का कोई इनसीटू, कैंसर नहीं इनसीटू, जैसे डक्टल कार्सिनोमा इनसीटू हो, या लोबुलर कार्सिनोमा इनसीटू, इनसीटू मतलब कैंसर नहीं, ट्यूमर टाइप जो था वो कैंसर बन सकता है। कोई भी गांठ स्तन की जो कैंसर नहीं थी वो कैंसर बन सकती है, बट उसके बनने के चांसेस बहुत कम है, 10% है। हम देख रहे हैं कि पहले ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, अब ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। पहले बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा था। पहले नंबर 2 पोजिशन पे था, आज नंबर 1 पोजिशन पे है। ये चेंजेस क्यों आए हैं? अमेरिका में पहले कॉमन था, चाइना में, अब इंडिया में भी बहुत कॉमन है। नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर ने अपनी जगह ले ली है। क्या कारण है, क्या बदलाव है, क्या चेंजेस हमारे शरीर में आए हैं, हमारे लाइफस्टाइल में आए हैं, जिसके वजह से
ब्रेस्ट कैंसर हमारे लिए एक डेथ सेंटेंस बन गया है, ये हमारे लिए एक मोर्टैलिटी का अहम कारण बन गया है, ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टैलिटी ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। हमारी लाइफस्टाइल पहले और अब देखें, गांव वालों की लाइफस्टाइल देखें और सिटी वालों की लाइफस्टाइल देखें। पहले हमारे अंदर मोटापा ज्यादा नहीं था, मोटापा जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी आज दिल्ली में, इंडिया में बढ़ रही है, क्या कारण है, क्या वजह है? क्या ओबेसिटी, मोटापा ब्रेस्ट कैंसर बनवा सकता है या ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो सकता है? जी हाँ, ये एक कारण है, क्योंकि जो फैट सेल्स होते हैं वो एक फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं। जो फैट सेल्स होते हैं उन पे इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर्स होते हैं। इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो ओवरी से सीक्रेट होता है, और ये इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन फैट सेल्स पे इनके रिसेप्टर्स होने की वजह से ये कैंसर को जन्म देता है, ये कैंसर को फैलाता है, ये कैंसर को कैरी फॉरवर्ड करता है, एक पोर्टर बनता है, एक कारण बनता है। मोटापा क्यों आज की डेट में बहुत कॉमन है? वजह सिंपल है, हमारा जो लाइफस्टाइल जो बदला है, आजकल हमारा चलना फिरना एक्सरसाइज जो कम हो गया है, आजकल हमारे जो जॉब्स हैं, आजकल जो फैसिलिटीज आए हैं कि भाई आज कोई साइकिलिंग नहीं करता, कोई चलता नहीं है, गाड़ियों की फैसिलिटीज हैं, ये सब कारण हैं कि जो ओबेसिटी की तरफ लीड करता है, और ओबेसिटी एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। ओबेसिटी का एक डायरेक्ट कॉज जो है वो है फूड, डाइट, खानपान। खानपान, जी हां, खानपान, डाइट एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। जो हमारा जो खानपान है, इसमें क्या ऐसे बदलाव आए हैं वो हमें देखना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, ओबेस मोटापा हमारे शरीर में नहीं लाना है। खानपान को जैसे हमारा पुराना खानपान था, जो हमारा देसी खानपान था, हिंदुस्तानी खानपान था, जो हमारा फूड हैबिट्स थे, वेजिटेरियन फूड हैबिट्स थे, फैट फ्री फूड हैबिट्स थे, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो हम ज्यादा खाते थे पहले, वो एक कारण है। खानपान सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, शरीर का कोई भी कैंसर जो है वो हो सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर देखा गया, जो लोग मोटे हैं, जो मोटापा जो है वो एक कारण है, और खानपान मोटापे को बढ़ावा देता है, खानपान मोटापे को, फैट को बॉडी में डिपॉजिट करता है। तो खानपान जो हमारा हो वो कैसा हो, वो न्यूट्रिशियस हो, वो फैट फ्री हो, इसमें चर्बी ना हो, वो कोशिश करें कि वेजिटेरियन हो या फैट फ्री हो, खानपान हमारा ऐसा हो जिसमें जंक फूड्स ना हो, जो आजकल हमने देखा है कि बच्चों में जंक फूड्स का ट्रेंड है, क्योंकि हम सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हमारे पास समय नहीं है खाना बनाने का, समय पे खाने का, सही जगह से खाने का। और ये जो कारण है वो मोटापा को बढ़ावा देता है, जंक फूड्स। आज हम देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बहुत मोटे हैं, कारण क्या है? फूड हैबिट्स, जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मील्स हमें मिलते हैं, जो आउटसाइड फूड है, होटल फूड है, ये एक कारण है। और ये फैट को बॉडी में डिपॉजिट करता है, और उन फैट पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स ब्रेस्ट कैंसर को जन्म देते हैं, बढ़ापा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो हम कोशिश करें कि हमारा जो डाइट हो वो फैट फ्री हो। जो मैं दूसरा जो कारण बताऊंगा वो है अल्कोहल। अक्सर महिलाएं, पहले भी हमने देखा है कि वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे। शराब का शब्द सुनते ही गांव में, या अपने जो बचपन में हमने देखा होगा, उसको एक तरह से हम एक हानिकारक मानते थे। और महिलाओं तो
सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आज जो इक्वालिटी आई है, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आज एक हिंदुस्तान नारी में जो चेंजेस आए हैं, वो आज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो आईएएस ऑफिसर भी है, वो इनकम टैक्स कमिश्नर भी है, वो एक डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, एक पॉलिटिशियन भी है, वो एक आज बार अटेंडर भी है, आज वो एक अल्कोहलिक भी है। जहाँ जहाँ पे इक्वालिटी आई है, जहाँ जहाँ पे एक बराबरी आई है, समानता आई है, ये समानता एजुकेशन के मैटर में, जॉब के मैटर में, ये बहुत ही बढ़िया है, उम्दा है, खेल के मैटर में बहुत ही उम्दा है। लेकिन जो बराबरी शराब में आई है या तंबाकू में आई है, ये हानिकारक है। जो शराब कैंसर पुरुषों में कॉज करता था, वही शराब महिलाओं में भी वो कैंसर कॉज करता है। और क्योंकि अल्कोहल से ओबेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि अल्कोहल से वो ट्रिगर करेगा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को, रिसेप्टर्स को, और वो कैंसर को जन्म देगा। तो अल्कोहल जैसे कि कोई भी कैंसर, जैसे आप लिवर का कैंसर लो या कोई भी कैंसर लो, उसी तरह यहाँ पे अल्कोहल ब्रेस्ट कैंसर में भी देखा गया है कि एक कारण है, एक ऐसा कारण है जो कि आदमी जिससे बचा सकता है, बच सकता है, और अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। ये हैरत की बात है, स्टडीज में देखा गया कि अल्कोहल भी एक कारण है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का। जरूरी नहीं कि जो महिला जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए कि उसको है ना वो अल्कोहल की हिस्ट्री है, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जब मैंने आपको 10 फैक्टर गिनवा दिए, एक महिला का होना, एज का होना, एक हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बॉडी में चलन होना, ज्यादा होना, या जो मॉडिफाइबल कॉजेस के, उसी तरह उनमें से एक कारण ये है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण नहीं, बट देखा गया कि एक कारण अल्कोहल भी है, एक कारण डाइट भी है, एक कारण ओबेसिटी भी है। और जो फैट है, ओबेसिटी है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज, वॉकिंग कम हो गया है। हमारी जो बॉडी की जो नॉर्मल जो हैबिट्स थी, जो डेली का जो एक्सरसाइज होता था, वो नहीं रहा है, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं। जहाँ पे साइकिल थी वहाँ पे जेट आ गया है, जहाँ पे चलना था वहाँ पे मतलब इतने चेंजेस आ गए, इतना मॉडिफाई हो गया कि आपका चलना फिरना, उठना बैठना बिल्कुल लिमिटेड हो गया, और जो भी है सिटिंग ऑर्डर वाली लाइफ आ गई है। ये एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर का होने का। हम डिस्कस कर रहे थे कि हार्मोन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज हैं ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में ओवरी होती है, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट होता है। ओवरी ओवा को जन्म देती है और जिससे बच्चा बनता है, और वो ओवरी महिला को एक महिला के रूप में बनाती है, महिला के शरीर को बनाती है। उसके अंदर जो चेंजेस हैं, जो अलग से जो महिलाओं में देखी जाती, वो ओवरी और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के वजह से है। हमने देखा है कि महिलाओं में पीरियड्स होते हैं, ये कुछ एज में शुरू होती हैं 14 इयर्स की, और ये 45 टू 50 इयर्स तक चलती हैं, और उसके बाद ये बंद हो जाती हैं। और जब ये बंद हो जाती हैं तो महिलाओं में जैसे हॉट फ्लशेस, गर्मी का लगना, वीकनेस होना, और महिलाओं में एक तरह से कुछ कमी सी महसूस होती है, उसके लिए डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा ईस्ट्रोजन, थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन देते हैं, हार्मोन देते हैं, जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। जो ओवरी, जो साइकिल्स रुक गए हैं, उन उस बॉडी के चेंजेस को बरकरार रखने के लिए, यानी बेसिकली बॉडी में जो कमी आ रही है, वीकनेस आ रही है, या वो, उसके लिए हम एक मेडिसिन देते हैं जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। मतलब हम हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो बंद हो जाते हैं 45-50 ईयर्स के बाद, उसको हम थोड़ा थोड़ा डोज में देते हैं, ताकि महिलाओं में वो थोड़ा सा जो वीकनेसेस आ रही हैं, जो कमजोरी आ रही हैं, या जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, उसको रोकने के लिए, जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन हम जानते हैं कि हार्मोन जो होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये ब्रेस्ट कैंसर को जन्म देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो अप्रोच हो वो बैलेंस्ड हो,
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कोशिश करें कम से कम दें। हम कोशिश करें कि जिन महिलाओं में, जिन परिवार में ब्रेस्ट कैंसर हो, उस महिलाओं को ना दें, क्योंकि कहीं ये ट्रिगर ना करें ब्रेस्ट कैंसर होने का। जब भी हम ये प्रिस्क्राइब करें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या कभी भी कोई महिला इसको यूज करे, पहले अपने आप को देखें कि मेरा रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने का कितना है, क्या मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है? मैं एक महिला हूं, हाँ मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मेरी एज 50 साल है, हाँ मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मेरे जो पीरियड जब शुरू हुए थे 12 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में ख़त्म हो गए मुझे, क्योंकि मेरे पीरियड्स थोड़े लंबे समय, हो सकता है मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो। क्या मेरी मैरिज किस एज में हुई है, क्या मैंने जो अपने पहला बच्चे का जो जन्म दिया वो किस उम्र में दिया, 25 साल में या 30 साल के बाद? हाँ 30 साल के बाद मैंने दिया तो मेरा रिस्क ज़्यादा है। क्या मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया, मेरे कितने बच्चे थे, कितने समय तक मैंने ब्रेस्ट फीड किया, क्या मैंने नहीं किया, क्या मेरे काम के वजह से, मेरे वर्क के वजह से या किसी और वजह से क्या मैंने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं किया, नहीं किया तो मेरा रिस्क ज़्यादा है। क्या मेरी मैरिज नहीं हुई है तो मेरा रिस्क ज़्यादा है। क्या मैंने जो इस तरह के जो रिस्क हैं, तो वो अपने आप को जज करें, सोचें कि भाई क्या, हाँ क्या मेरे फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, क्या मेरी माँ को, दादी को, या मेरे बच्चों को, या मीनिंग टू से अपने सिस्टर्स को किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, अगर हाँ तो मेरा रिस्क ज़्यादा है। तो वो महिलाएं जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो उसको जज करके, बैलेंस करके उसको ले। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, कि जो जेनेटिक्स होते हैं जिन फैमिलीज़ में, जैसे किसी की मदर को कैंसर है, किसी की बेटी को कैंसर है, तो उसमें कितनी संभावनाएं होती हैं कि अगली जनरेशन को भी कैंसर होगा? और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे किसी की शादी होती है, नहीं नहीं वो फैमिली प्लानिंग अभी नहीं करना चाहते, बच्चा नहीं चाहते, तो उसके लिए वो लोग काफ़ी पिल्स खाते हैं, तो पिल्स कितनी हानिकारक है किसी महिला के लिए, और क्या इससे कैंसर हो सकता है अगर कोई पिल्स खा रहा है रेगुलर उस टाइम के लिए जब तक उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो इसके बारे में बताइए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये दो सवाल हैं, इनको दो में मैं डिवाइड करके मैं जवाब दूंगा। एक आपने कहा कि जो महिलाएं जिनकी मैरिज हो गई है, वो चाहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए बच्चा ना हो, और वो कुछ दवाइयां का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या ये दवाइयां हानिकारक हैं, क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? जी हो सकता है, क्योंकि आप जो ये नेचुरल साइकिल्स हैं, इनको आप दबा रहे हैं, और इनके लिए आप दवाइयां दे रही हैं जो कि वो भी हार्मोन्स हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है, खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन रीजन है वो है हार्मोन, जो ओवरी से सीक्रेट होता है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं और हार्मोन्स देखें, जब आप हार्मोन्स दोगे इनका बढ़ावा होगा, और जब बढ़ावा होता है तो जाहिर सी बात है, खास करके वो महिलाएं जिनके परिवार में या जीन्स में जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, वो तो बढ़ जाएगा। तो ले ना लें, अब अगला सवाल होगा आपका, ले सकती हैं। पहले तो आप अपने आपके रिस्क को देखें, जैसे हम गिनवाते हैं कि भाई कितना रिस्क आपको ब्रेस्ट कैंसर का है। दूसरा आप ये देखें, अगर आपके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, आपके सारे जो कॉजेज हैं जो ब्रेस्ट कैंसर कर सकते हैं, उन पे देखें आप, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा जो रिस्क है वो उतना ज़्यादा नहीं, समय पे शादी भी हुई, समय पे बच्चे भी हुए हैं, या समय पे ब्रेस्ट फीडिंग भी हुई है, मेरे साइकिल्स जो हैं वो समय पे शुरू हुए हैं और समय पे चल रहे हैं, और उस समय पे आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, बेहतर यह है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल एक समय पे 5 साल से ज़्यादा समय के लिए ना करें, बीच में कुछ सालों के लिए गैप दें, और
दूसरे मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। और जिन महिलाओं के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप ना करें इसका इस्तेमाल, या कुछ 5 साल के बजाय 1 साल 2 साल के लिए करके आप उसका गैप दे दें। दूसरा जो सवाल आपने छेड़ा था वो था जेनेटिक्स। जी, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, ये जेनेटिक्स में होता है। यानी ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये फैमिली में चल सकता है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर बाप में है तो बेटे में आ सकता है, बच्चों में आ सकता है। ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अगर माँ को है तो बच्चों को आ सकता है, बहनों को आ सकता है। जैसे जैसे हम बार बार आपको मैसेज देते हैं कि 5-10% चांस है कि ये फैमिली में रन करेगा, फिर आपका एक सवाल उठेगा, अगर मेरे फैमिली में है तो मुझे कैसे पता चले कि मेरा कितना रिस्क है, क्या मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और हो सकता है तो कितना रिस्क है मुझे होने का, कौन से जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर्स का सोचें, ब्रेस्ट कैंसर में जो जीन्स हैं जो इसमें रन करती हैं फैमिली में, बाप से बेटे को आते हैं या माँ से बेटी को आती हैं, ब्रेस्ट कैंसर में जो होते हैं वो होते हैं जिसको हम कहते हैं BRCA1, BRCA1, BRCA2, P10, P53, हर्सेप्टिन, HER2 new जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर BRCA1 और BRCA2 जीन्स पॉजिटिव हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? एक जेनेटिक का टेस्ट होता है जिन महिलाओं में, जिनके मदर को, सिस्टर को, जिनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, खास करके दो परिवार के सदस्य, माँ या बहन, बेटी या माँ, किसी भी फैमिली के दो सदस्य को अगर मेंबर्स में ब्रेस्ट कैंसर है तो चांसेस ज्यादा हैं कि ये जेनेटिक्स में हो, जीन्स में हो। तो आज हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर है, हम कैंसर बगाओ की तरफ से, प्रफुल्ल जी की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अपने जीन्स को जेनेटिकली चेक करवा सकते हो, जैसे कि आपने सुना होगा एंजेलिना जूली, जो कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, रिनाउंड एक्ट्रेस हैं, उनके मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, उन्होंने अपने आप को जेनेटिकली चेक किया, BRCA1 BRCA2 करवाया, वो पॉजिटिव आया, क्योंकि वो पॉजिटिव आया था तो 80% चांस था उन्हें कि उनके लाइफ में कभी उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता था, क्योंकि 80% रिस्क था ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो उन्होंने अपने दोनों ब्रेस्ट को निकलवाया और वापस बनवाया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया, और 2013 में उन्होंने ये मीडिया को, प्रेस को, लोगों को बताया कि मेरी माँ को था और मैंने जब जेनेटिकली चेक करवाया तो वो मेरा पॉजिटिव आया और मुझे 80% चांस था ब्रेस्ट कैंसर होने का, तो इसलिए मैंने सर्जरी करवा ली और आज मैंने अपने आप को बचाया है ब्रेस्ट कैंसर के मुंह से, अपनी जिंदगी को। और आज भी वो हॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस हैं और अपना काम, अपना वो बिल्कुल कर रही हैं, और लोगों को उन्होंने मैसेज पहुंचाया कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, इससे बचा जा सकता है, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये है जेनेटिक्स, जो सवाल आपने मुद्दा छेड़ा था कि जिसके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर हो, खास करके एक परिवार में दो सदस्य को हो, उनको
जागरूक रहना है, जागरूक होना है, अपने आप को जेनेटिकली टेस्ट करवा सकते तो करवाना है, और अपने आप को स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल पे डालना है, अपनी जिंदगी नष्ट होने से, अपना बलिदान देने से अपने आप को बचाना है। जो जेनेटिक्स है, एक बात मैं कहूंगा कि इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि 5-10% चांस है कि आपको हो, जरूरी नहीं कि आपको होके रहेगा। हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे, और रिस्क फैक्टर्स में हमने बहुत सारे मॉडिफाइबल देखे जिनको हम बदल सकते हैं, बहुत सारे हमने ऐसे फैक्टर्स भी देखे जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। जो बदल सकते हैं उसमें से कुछ ये भी थे कि भाई हम अपने आप को एक्सरसाइज करें, मोटापा को बढ़ावा ना दें, डाइट अपनी हेल्थी लें, अल्कोहल को छोड़ें, ब्रेस्ट फीड करें, अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करें, कम से कम एक साल तक करें, कोई आनातानी ना करें। इससे आप अपने बच्चे को और अपने आप को, बच्चे को सेहत दोगे और अपनी सेहत बनाओगे। और कुछ ऐसे भी कारण हैं जिनको आप सुन के आपको लगेगा भाई ये क्या। एक है कि हाइट, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, बॉडी सरफेस ज्यादा होता है, डेफिनेटली रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे, हार्मोन बॉडी में ज्यादा होगा तो ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। और एक चीज देखा गया है, कोई भी कैंसर आप ले लें, उसका एक कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी जो लोड हमारे पर पड़ रहा है। आजकल अगर हम देखें, हमारी लाइफस्टाइल टोटली बदल चुकी है। अगर आप मेरी अपनी लाइफस्टाइल ले लें, या आप में से किसी की भी लाइफस्टाइल ले लें, पहले होता क्या था, सूरज जब उगता उसके बाद काम शुरू होता, और सूरज जब खत्म होता उससे पहले पहले काम खत्म होता। आज हमारे काम हाथों से ज्यादा और दिमाग से ज्यादा चलने लगे, और ये काम हमें स्ट्रेस पे ले जाता है। ये काम हमें एक ऐसे मोड़ पे ले जाता है जहां पे हमारी जो ज़हनी क्षमता है उस पे बार पड़ता है। जैसे कि कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई काम दिन में भी कर रहा है, रात में भी कर रहा है, कोई काम सैटरडे संडे कर रहा है, कोई काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है कुछ ज्यादा पाने के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ, लेकिन इससे जो स्ट्रेस बन रहा है, स्ट्रेस जब शरीर पे पड़ता है, जोर पड़ता है, तो शरीर तो एक समय तक उसको बर्दाश्त कर सकता है। जब वो नहीं करता है तो वो स्ट्रेस आपके बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। जैसे कि आप समय पे नहीं खाते हो, समय पे नहीं सोते हो, आराम नहीं करते हो, तो ये ज़हनियत पे आपके शरीर पे एक दबाव डालता है, बार डालता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है हीलिंग की, उस पे प्रेशर पड़ जाता है। उससे होता ये है कि बॉडी कमजोर हो जाती है, वो बीमारियों से लड़ नहीं पाती है, और कैंसर जैसे बीमारी के चपेट में आ जाती है।